नवरात्रि को विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय माता दुर्गा धरती पर वास करती हैं। नवरात्रि के चार प्रमुख पर्व होते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। ये पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह माता की मूर्तियों की स्थापना की जाती है और बड़े बड़े पंडाल बनते हैं। प्रत्येक वर्ष अश्विन मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र का आरंभ होता है और पूरे 9 दिनों तक मां आदि शक्ति जगदम्बा का पूजन किया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की विशेष पूजा अर्चना होती है। इस दौरान भक्त अगर कुछ विशेष उपाय करते हैं तो माता दुर्गा प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इससे न सिर्फ उनका भाग्य बदल सकता है बल्कि घर में सुख समृद्धि भी आती है। इस बार शारदीय नवरात्रि 9 की बजाय 10 दिनों तक मनाई जाएगी। ऐसा तृतीय तिथि दो बार पड़ने के कारण हो रहा है। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार शारदीय नवरात्र में 5 एवं 6 अक्टूबर को 2 दिन तृतीया तिथि रहेगी। 6 अक्टूबर को बढ़ी हुई तृतीया तिथि, 6 अक्टूबर को रात में भद्रा भी रहेगी। 7 अक्टूबर को चौथा नवरात्र होगा। सबसे खास बात यह है कि नवमी की पूजा और विजयदशमी का पर्व भी एक ही दिन मनाया जाएगा। जानकारों का मानना है कि नवरात्रि में तिथियों का बढ़ना शुभ संकेत माना जाता है। जी हाँ, इस बार शारदीय नवरात्रि की धूम 10 दिनों तक रहेगी। जानकारों का कहना है कि नवरात्रि में तिथि बढ़ना शुभ माना जाता है। नवरात्रों की तिथि घटने की बजाय बढ़ना फलदायी होता है। शास्त्रों में भी मान्यता है कि बढ़ा हुआ नवरात्र शुभ समृद्धि लाता है। पूरे भारत में शारदीय नवरात्र बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के नाम की झांकियां निकाली जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वो धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। ज्योतिष के अनुसार माँ दुर्गा का डोली पर सवार होना अशुभ संकेत है। ये प्राकृतिक आपदा, महामारी और देशों में अस्थिरता का संकेत देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि माँ भगवती दुर्गा की आराधना करने का श्रेष्ठ समय होता है। इन 9 दिनों के दौरान माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि का हर दिन माँ के एक विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की अलग महिमा होती है। आदि शक्ति जगदम्बा के हर स्वरूप से अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये पर्व नारी शक्ति की आराधना का पर्व है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।